एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं किसा काजमी। कल यानी 2 मई को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। ऐसे में सबकी निगाहें केरल पर टिकी हैं, क्योंकि केरल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी जी जान लगा दी थी। केरल के विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने कई चुनावी जनसभाओं का आयोजन किया, हर एक बड़ी रैली की, ताकि केरल में कांग्रेस की पार्टी को मजबूत किया जा सके और आगे की रणनीति के लिए पार्टी की एक जबरदस्त छवि बनकर जनता के बीच में आया जा सके। हालांकि राहुल गांधी की लाख रणनीतियों के बाद भी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस को टक्कर देने के लिए अपनी जी जान लगा रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने और बाकी के 4 राज्यों की जगह केरल को चुना, जहां उन्होंने सबसे ज्यादा चुनावी रैलियों को करने की एक ठान ली थी। राहुल गांधी ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा केरल में चुनावी रैलियों को किया। इसका सबसे बड़ा मकसद ये भी था, क्योंकि राहुल गांधी खुद वायनाड से सांसद हैं, ऐसे में केरल की जनता को अपने पक्ष में लाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी के कंधों पर थी। इसलिए राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा रैलियां केरल में की और उसका असर भी बहुत हद तक राहुल गांधी और कांग्रेस को आने वाले समय में या चुनावी नतीजे में देखने को मिल सकता है। एक बड़ी जीत कांग्रेस की केरल में हो सकती है। अगर राहुल गांधी केरल जीत जाते हैं तो आगे के लिए भी राहुल गांधी का रास्ता काफी हद तक साफ हो जाएगा, क्योंकि आगे चुनावी नतीजों के बाद अध्यक्ष को लेकर भी कांग्रेस के अंदर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं कि इलेक्शंस के नतीजों के बाद ही जल्द ही कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन क्या होगी कांग्रेस की चुनावी नतीजों के बाद की रणनीति, इस रिपोर्ट देखिए। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का ऐलान 2 मई को यानी कल होने जा रहा है। ये इंतजार अब खत्म होने जा रहा है कि कौन सी पार्टी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब साबित होगी। आपको बता दें कि गंभीर महामारी और त्रासदी के दौरान भी हाल ही में 5 राज्यों असम विधानसभा चुनाव, केरल विधानसभा चुनाव और तमिलनाडु समेत कई और 2 जगहों पर विधानसभा चुनाव सम्पन्न हुए हैं। केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को काफी ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है। ये उम्मीद इसलिए नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहाँ जीतोड़ मेहनत करके पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। उनकी चुनावी रैलियां और जनसभाएं सबसे ज्यादा केरल में ही देखी गई। इसकी बड़ी वजह यह भी है क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं और वो जनता का भरोसा जीतने के लिए बहुत ज्यादा अपनी जीतोड़ जान लगाने में कामयाब साबित हमेशा दिखाई देते हैं। केरल पहुंचकर राहुल गांधी ने कांग्रेस की मजबूत छवि को और मजबूती देने के लिए काफी ज्यादा बीजेपी पर हमला बोला, अपनी रणनीतियां भी बताई तो बीजेपी सरकार को आड़े हाथों भी लिया। पार्टी के लिए आगे की मजबूती की स्थिति को देखते हुए राहुल गांधी लगातार चुनाव में सक्रिय रहे। त्रासदी की संकट और त्रासदी के देखते हुए राहुल गांधी ने हर वो आह्वान किया जिससे कि पार्टी की छवि तो मजबूत हो ही, साथ ही जनता के बीच भी पार्टी को एक मजबूत छवि देखी जा सके। लेकिन इस बीच कल यानी चुनावी घोषणा में अब देखना होगा कि केरल की सत्ता में कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ उतरती है और कितने ज्यादा वोटों के साथ जनता का भरोसा वो जीत पाती है। दरअसल केरल विधानसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टियों की अगुवाई वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी LDF और कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF यानी डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच कांटे का मुकाबला होता नजर आ रहा है। यहाँ हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन की परंपरा 1980 से चल रही है। ऐसे में सत्ताधारी LDF इस बार अपनी जीत के साथ केरल की सियासत में 4 दशक पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बेताब है। वहीं सत्ता परिवर्तन की परंपरा को दोहराने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है और राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक चुनावी रण में उतर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार केरल अपना इतिहास दोहराता है या फिर सियासत की नई इबारत यहां लिखी जाती है। दरअसल केरल विधानसभा चुनाव 140 सीटों पर 6 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में LDF और UDF के साथ साथ बीजेपी ने भी अपनी पूरी चाक
ऐसे में LDF और UDF के साथ साथ BJP ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केरल ने 1980 के बाद से सत्ता पर काबिज होने के बाद किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को लगातार दोबारा जीत नहीं मिली है। ऐसे में एक तरफ से यहां पर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है। CPIM के नेतृत्व वाली LDF और कांग्रेस नेतृत्व वाला UDF ने अलग अलग कार्यालयों में राज्य में 3 दशक तक शासन किया है। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसेफ, RSP, केरला कांग्रेस, CPMJ, भारतीय नेशनल जनता दल और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक शामिल है। लेफ्ट की अगुवाई वाले LDF में CPM, CPIM, JDS, NCP, केरला कांग्रेस, कांग्रेस, JKC, इंडियन नेशनल लीग, केरला कांग्रेस और JSS और लोकतांत्रिक जनता दल है। वहीं NDA में BJP और भारतीय धर्म जन सेना पार्टी शामिल है। केरल कांग्रेस की सत्ता में वापसी कर पाएंगे या नहीं, ये भी एक गंभीर सवाल इस समय बन रहा है। केरल में असल लड़ाई CPI की अगुवाई वाले LDF और कांग्रेस नेतृत्व वाले UDF के बीच है। दोनों ही गठबंधनों के बीच 5-5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होता रहता है। इसलिए कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि इस बार उनके सत्ता में वापसी हो सकती है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी अकेले पार्टी के विश्वसनीय चेहरे के तौर पर मोर्चा हाल रहे थे, लेकिन न कहीं कांग्रेस के चुनाव अभियान में उत्साह की कमी साफ दिखाई दे रही थी। इसी दौरान चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में LDF के सत्ता में लौटने के अनुमानों ने कांग्रेस में अंदरूनी मायूसी का माहौल बढ़ा दिया था। कांग्रेस के हालात को देखते हुए राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी सियासी ताकत केरल में लगा रखी है। ऐसे में राहुल गांधी ने बीते कुछ दिनों में अपनी चुनावी रैलियां की, नुक्कड़ सभाओं, रोड शो और युवा छात्रों से सीधा संवाद कर अचानक पार्टी के चुनाव अभियान में करंट लगा दिया था। राहुल के चुनाव अभियान से अब इस दवा डोल नैया को पतवार मिल गई है, लेकिन ये कांग्रेस सत्ता के किनारे तक पहुंचेगी इस निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी साबित हो सकता है। केरल के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 5 राज्यों के चुनाव में सबसे ज्यादा फोकस केरल में रखा है। अमेठी से हार के बाद राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं और वहां इस बार LDF सरकार के खिलाफ सत्ता परिवर्तन न सिर्फ कांग्रेस के जीवन के लिए भी जरूरी है, बल्कि खुद राहुल के सियासी वजूद को बचाए रखने के लिए अहम भूमिका अदा करता है। कांग्रेस की सूबे में जीत से एक और उनकी राजनीतिक क्षमता पर सवाल उठाने वाले आलोचकों को जवाब मिल सकता है, तो दूसरी तरफ 5 राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव में उनकी दावेदारी को मजबूती मिलेगी। इसलिए राहुल ने केरल में लेफ्ट फ्रंट के साथ साथ दो हाथ करते नजर आते साफ साफ दिखाई दिए थे। लेकिन राहुल गांधी अपने चुनाव अभियान में LDF सरकार को विशेष रूप से बड़े घोटाले पर घेर रहे हैं, चाहे उसमें कोई भी घोटाला साबित क्यों ना हुआ हो। राहुल गांधी के लिए चुनावी अभियान केरल का काफी ज्यादा मजबूत साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज। अब देखना होगा कि अगर कांग्रेस केरल जीत जाती है तो आगे क्या राहुल गांधी अध्यक्ष पद की कमान संभालते हैं और क्या होती है राहुल गांधी के आगे की रणनीति। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।